2015 के मॉडल की ये सिटी गाड़ी, 2009 और 10 के मॉडल की ये गाड़ी मौजूद है। 93 का ये मॉडल है, 95 की रजिस्ट्रेशन है। बट दोस्तों अभी हमारे पास मौजूद है 2015 के मॉडल की ये सिटी गाड़ी। बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन चेक कर लें। माशाल्लाह से भाई काफी अच्छी कंडीशन में हमें गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं गाड़ी के साइड लुक की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। साइड से बाहर गाड़ी कैसे रखी हुई है, तो बात करें गाड़ी के टायरों की, तो आप लोग गाड़ी के टायर की कंडीशन देख लें भाई। माशाल्लाह से बिल्कुल टायर भी हमें गाड़ी के बिल्कुल साफ सुथरे दिखने को मिल जाते हैं। और बढ़ते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं बैक की कंडीशन दिखा देता हूँ। बैक से बाहर गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा, बात करें गाड़ी के बैक लुक की, तो आप लोग गाड़ी की बैक की कंडीशन चेक कर ले। तो इस तरह से हमें गाड़ी की बैक की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी के ड्राइवर साइड की, तो आप लोग गाड़ी का ये ड्राइवर साइड भी चेक कर सकते हैं। ड्राइवर साइड से भी हमें गाड़ी की कंडीशन काफी साफ सुथरी दिखने को मिल जाती है। तो बढ़ते हैं गाड़ी के डोर की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं डोर की कंडीशन दिखा दूं। डोरों से मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई, तो आप लोग गाड़ी के ये डोर की कंडीशन चेक कर सकते हैं भाई। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के डोर की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी का मैं इंटीरियर डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें, तो आप लोग गाड़ी का ये इंटीरियर डैशबोर्ड की भी कंडीशन चेक कर लें। माशाल्लाह से भाई बिल्कुल साफ कंडीशन में देखने को मिल जाती है यार। आप लोग गाड़ी की सीट्स चेक कर लें, सीट्स वो वाली गाड़ी की भी सीट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग गाड़ी की सीट्स की कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीटों की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे के डोर की कंडीशन दिखा देता हूँ। पीछे से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है, तो आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं। और बात करें गाड़ी के पीछे वाली सीट्स की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे की सीट्स की भी कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे की सीट्स की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। तो बढ़ते हैं गाड़ी के डिग्गी की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ। इसके बाद गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी की डिग्गी की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के डिग्गी की कंडीशन में दिखा देता हूँ। लोग गाड़ी के डिग्गी की कंडीशन वगैरह चेक कर लें भाई। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के डिग्गी की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। अंदर से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए डिग्गी की कंडीशन वगैरह चेक कर लें। तो अभी जिनमें की गाड़ी है, वैसे गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ। तो बैठ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम मैं दिखा देता हूँ। तो बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन चेक कर लें। जैसे कि आप लोग गाड़ी की बैटरी वगैरह देख लें, कुप्पे में आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग गाड़ी के कुप्पों की भी कंडीशन चेक कर लें। गाड़ी के ये वाले गाड़ी के कुप्पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इंजन रूम आपके सामने मौजूद है गाड़ी का। और बात करें गाड़ी के बोनट की, तो आप लोग गाड़ी के बोनट की भी कंडीशन वगैरह चेक कर लें। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, भाई से गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। सलाम अलैकुम तला भाई। वालेकुम सलाम तला भाई, इस गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दिएगा, कौन सा मॉडल है ये? यार ये 2015 मॉडल की सिटी है, एस्पायर 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन में। सारी गाड़ी नहीं है, एस्पायर के अंदर रिम टायर, लेदर सीट, नेविगेशन, फॉग लैंप ये चीज आती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सिंपल सी टैक्स वगैरह से क्लियर है? इससे क्लियर है। ये गाड़ी भी फर्स्ट ओनर है, थ्रू आउट पेट्रोल चली हुई गाड़ी है, 96,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। ठीक हो गया। अच्छा बात करें गाड़ी के टचअप वगैरह में क्या है? गाड़ी में खाली एक से दो पीस टचअप है, बाकी गाड़ी टोटल ओरिजिनल है, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। एक लीटर में कितना देरी करना चाहिए? लीटर में 14-15 का एवरेज कर रही है शहर के अंदर। शहर के अंदर हाईवे पे तो थोड़ा बहुत ज्यादा, हाईवे पे लगभग 20 तक जाती है। ठीक है। अच्छा डिमांड की बात करें, क्या रखी आपने डिमांड इसकी? इस गाड़ी की डिमांड है 27,20,000 रूपए, कमी पीछे 19-20 वगैरह बिल्कुल हो जाएगी। अपना नंबर शेयर कर देगा? 03442155181। लोकेशन कहाँ की है? नॉर्थ कराची। ठीक हो गया। किसी भी भाई को गाड़ी पसंद आती है, ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। अभी हम बढ़ चुके हैं एक और गाड़ी की तरफ और अभी हमारे पास मौजूद है 2009 और 10 के मॉडल की ये गाड़ी। तो बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन चेक कर लें भाई। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। साइड से बहने गाड़ी कैसे रखी हुई, तो बात करें गाड़ी के साइड लुक की, तो आप लोग गाड़ी की साइड की भी कंडीशन चेक कर लें। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। बैक से बहने गाड़ी कैसे रखी हुई है, तो बढ़ते हैं गाड़ी के टायरों की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं टायर की कंडीशन दिखा देता हूँ। आप लोग गाड़ी के टायर की कंडीशन वगैरह चेक कर लें। तो अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं ड्राइवर साइड की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो बात करें गाड़ी के बैक लुक की, तो आप लोग गाड़ी के बैक की कंडीशन चेक कर लें भाई। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के बैक की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। साइड लुक की भी गाड़ी की कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हैं। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं ड्राइवर साइड दिखा देता हूँ। ड्राइवर साइड से पहले गाड़ी कैसे रखी हुई, तो बात करें गाड़ी के ड्राइवर साइड की, तो आप लोग गाड़ी की ड्राइवर साइड की भी कंडीशन वगैरह चेक कर लें। तो बढ़ते हैं गाड़ी के डोरों की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं डोर की कंडीशन दिखा देता हूँ। अच्छा बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के डोरों की कंडीशन वगैरह चेक कर लें।
कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की, तो आप लोग गाड़ी के ये इंटीरियर डैशबोर्ड की भी कंडीशन वगैरह चेक कर ले। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के ये इंटीरियर डैशबोर्ड की कंडीशन देखने को मिल जाती है। सीट्स वगैरह आप लोग गाड़ी की चेक कर ले। और बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाले डोरों की तरफ। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे के डोर की कंडीशन दिखा देता हूँ। पीछे से बाहर गाड़ी किस रखी हुई है, तो बात करें गाड़ी के पीछे वाले डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन चेक कर ले भाई। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी के पीछे वाली सीट्स की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे की सीट्स की भी कंडीशन वगैरह चेक कर ले। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की सीट की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। तो बढ़ते हैं गाड़ी की डिग्गी की तरफ। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ, उसके बाद गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी के डिग्गी की तरफ। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ। आप लोग गाड़ी के डिग्गी की कंडीशन वगैरह चेक कर लें। और बात करें गाड़ी के अंदर की, तो आप लोग गाड़ी के अंदर की भी कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं भाई। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। अच्छा, मेन की पट्टी की बात करें, तो आप लोग गाड़ी की मेन की पट्टी की कंडीशन देख लें। बैटरी वगैरह आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं। और कुप्पों की बात करें, तो आप लोग गाड़ी की कुप्पों की भी कंडीशन वगैरह चेक कर लें। ये वाले गाड़ी की कुप्पों की भी कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं। और बोनट की बात करें, तो आप लोग गाड़ी के बोनट की भी कंडीशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग गाड़ी के बोनट की भी कंडीशन वगैरह चेक कर लें। तो अभी जिनमें की गाड़ी है, वैसे गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। जिनमें की गाड़ी है भाई हमारे साथ मौजूद है, वैसे गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेते हैं। सांग भाई जान, वालेकुम अस्सलाम भाई जी, गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा। कौन सा मॉडल है ये? नो मॉडल है, 2009 का ये मॉडल है। 10 की रजिस्ट्रेशन है? 10 की है। अच्छा, डॉक्यूमेंट सिंपल सी, टैक्स से क्लियर है? सब क्लियर, हर चीज से क्लियर है। सिर्फ टैक्स है इस पे, सही है, 9 साल का। वो आपसे कम 38,000 रूपए हम भरे पे करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एसी वगैरह वर्किंग में? इसमें सब वर्किंग में। पेट्रोल सीएनजी दोनों पे? सिर्फ पेट्रोल पर है। पेट्रोल पे। 1 लीटर में कितना देरी करना था? कम से कम ये 13 पे चले जाती है। 13 पे चले जाती है, ठीक हुआ। अच्छा, टचअप वगैरह में क्या है? सिर्फ एक पीस टचअप है, बाकी पूरी जेन्युइन है। अंदर बाहर से सब जगह से जेन्युइन है, एक पीस स्टैंडर्ड टचअप है बस इसका। डिमांड की क्या रखी है डिमांड आपने? 18-17 कमी पेशी 19-20 वगैरह। किसी भाई को गाड़ी पसंद आती है तो कमी पेशी वगैरह हो जाएगी? वो हो जाएगी। आपने नंबर शेयर कर दिएगा? लेकिन 03-10-23-86-86-337-337। एक बार दोबारा बताइएगा। 03-10-23-86-337। लोकेशन कहाँ की? पोजिशन 13D। का नाम? आकिब। ठीक है, थैंक यू सो मच। आकिब भाई की गाड़ी है, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। किसी भी हजरात को गाड़ी पसंद आती है तो आकिब भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। सो अभी हमारे पास मौजूद है 93 का ये मॉडल है, 95 की रजिस्ट्रेशन है। बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बात करें गाड़ी की फ्रंट लुक की, तो आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन चेक कर ले। लाइट ग्रिल आगे से आप लोग चेक कर सकते हैं। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। गाड़ी की साइड की कंडीशन वगैरह देख ले। और बात करें गाड़ी के टायरों की, तो आप लोग गाड़ी के टायर की कंडीशन वगैरह चेक कर ले। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। बैक से बहने गाड़ी की रखी हुई है। बात करें गाड़ी के बैक लुक की, तो आप लोग गाड़ी की बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। आप लोग गाड़ी की बैक की भी कंडीशन वगैरह चेक कर लें। और आप लोगों को गाड़ी का मैं ड्राइवर साइड भी दिखा देता हूँ। गाड़ी के ड्राइवर साइड की भी कंडीशन वगैरह चेक कर लें। और बढ़ते हैं गाड़ी के डोरों की तरफ। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं डोर की कंडीशन दिखा देता हूँ। अच्छा, बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के डोर की कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी का मैं इंटीरियर डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें, तो आप लोग गाड़ी के ये इंटीरियर डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर सकते हैं। सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूं भाई। आप लोग गाड़ी की सीट्स की भी कंडीशन वगैरह चेक कर ले। बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाले डोरों की तरफ। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे के डोर की कंडीशन दिखा देता हूं। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी के पीछे वाले डोरों की तरफ। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे के डोर की कंडीशन दिखा देता हूं। आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन चेक कर ले। सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूं। गाड़ी के पीछे की सीट्स की भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की आगे की कंडीशन गाड़ी की दिखने को मिल जाती है। और गाड़ी के पीछे की भी कंडीशन वगैरह देख लें, सीट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम मैं दिखा देता हूं। अच्छा, मेन की पट्टी की बात करें, तो आप लोग गाड़ी की मेन की पट्टी की कंडीशन चेक कर लें। बैटरी में आप लोगों को दिखा देता हूं। और कुप्पों की बात करें, तो आप लोग गाड़ी की कुप्पों की भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये वाले गाड़ी के कुप्पों की भी कंडीशन वगैरह चेक कर लें। और चैचिस नंबर, टिकली नंबर वगैरह जो होती है, वो भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं गाड़ी का ये इंजन रूम दिखने को मिल जाता है। बोनट आपके सामने मौजूद है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, वैसे गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। जिन हजरात की गाड़ी है भाई हमारे साथ मौजूद है, वैसे गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेते हैं। साइन सर जी, वालेकुम अस्सलाम सर जी, गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा। कौन सा मॉडल है ये? जी, ये 93 मॉडल है, कोरे।
बेसिकली ये नवाज शरीफ स्कीम में आई हुई थी, तो जो रिमेनिंग जो गाड़ियां थी पहले जो बैच में इन्होंने पब्लिक को दे दिए थे, वो अदरवाइज उनकी गवर्नमेंट चली गई, तो जो बची हुई गाड़ियां पोर्ट पे थी उन्होंने प्राइवेट नंबर पे दिए थे। उनमें से ये गाड़ी है प्योर जापानी गाड़ी है, इसमें एसी रन कर रहा, वैसी एसी इसमें चल रहा, और इसका ओरिजिनल इंजन है, टिकली के ऊपर जो इंजन का नंबर दिया गया वही इसमें इंजन इंस्टॉल है, और इंटीरियर में हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। आपने देखा होगा कि जो गत्ते इसके लगे हुए हैं फाइबर के लगे हुए हैं, अल्मोनियम की शीट लगा हुआ, तो इसमें ऐसी है तमाम चीज़ें एक्यूरेट है। आप 4.5 लाख इसकी प्राइस रखा हुआ, 4.5 लाख कम बेशी उन्नीस बीस किसी को अगर पसंद आती है, थोड़ा कुछ तो देखा जाएगा, ये इंडीड उसमें कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। लेकिन एक लीटर पे कितना देरी पेट्रोल का अंदाजा है? 15 तो देती है, और इसमें एलपीजी भी इंस्टॉल है, एलपीजी आपको 20-22 किलोमीटर आराम से देती है, एलपीजी इंस्टॉल है। जी 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 ठीक है। अच्छा फाइनल 4.5 बोल रहे हैं, कमी बेशी वगैरह हो जाएगी? ठीक है। अच्छा टचअप वगैरह पे शावर हुई है बाहर से? ये तो खैर कंप्लीट पेंट हुई है। पेंट हुई है, ठीक है। अपना नंबर शेयर कर दिएगा ताकि आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए। जी 03118314779। आपका नाम? इकबाल नाम है मेरा। इकबाल भाई लोकेशन गाड़ी कहाँ मिल सकती है? जोहर में मिल सकती है, गुलिस्तान जोहर। थैंक यू सो मच। इकबाल भाई की गाड़ी है, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, अगर किसी भी हजरात को गाड़ी पसंद आती है तो इकबाल उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।